कुछ इसलिए भी लोग खफा रहते हैं मुझसे, क्योंकि मैं अक्सर वही कहता हूँ जो सच होता है। बेशक आप खुद को ज्ञानी समझो, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझने की मूर्खता मत करो। कभी तुम पूछ लेना, कभी हम भी जिक्र कर लेंगे, छुपाकर दिल के दर्द को एक दूसरे की फिक्र कर लेंगे। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। अक्सर उन लोगों के दिल टूटे होते हैं जो सबका दिल रखने की कोशिश करते हैं। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए हर इंसान जिंदगी में दूसरे से कितनी बार जलता है। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिंदगी जब किसी दौड़ाहे पर लाती है, एक अजीब सी कसमकश में पड़ जाती है। चुनते हैं हम किसी एक राह को और दूसरी राह जिंदगी भर याद आती है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो, अपनी आँख से एक आंसू गिराकर देखो कि कितने लोग इसे पोछने के लिए आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, जिसका जितना अधिक प्रयोग करेंगे वो उतना ही उभरता जाएगा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या फिर पूरी तरह से नर्क। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं बल्कि दिमाग में रखते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। चर्चाएं खास हो तो किससे भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन पर ही उठती है जो मशहूर होते हैं। जरूरी नहीं किसी बड़े चीज से ही बड़ी घाव हो, कभी कभी छोटी सी बात भी गहरे जख्म दे देती है। देखी जमाने की यारी, बदले सभी बाड़ी बाड़ी, रंग दिखाया हर एक ने, मतलब की ये दुनिया सारी। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। रोज रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस होना जरूरी है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करे उसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो, इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। सवरना ही है तो किसी की नजरों में सवरिए जनाब, कांच के आईने से खुद का मिजाज पूछा नहीं करते। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश और सम्मान उसकी छाया, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं, पर छाया सबको चाहिए। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो फिर गम की क्या औकात है। लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि उन्हें अपने भरोसे पर शक है और अपने शक पे भरोसा। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती है दोस्त, कर्म ऐसा करो कि खामोशियां भी अखबारों में छप जाए। मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का दुगना फायदा हो। इंसान भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटा बजाता है, सोया हुआ खुद है और भगवान को जगाता है। भूखे को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है, अंधेरा दिल में है, दिए मंदिर में जलाता है। मदद करनी हो तो गैरों की करो, क्योंकि अपने तो अक्सर उसे फर्ज का नाम दे देते हैं। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। कभी कभी हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है,
पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन बनते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करना जिंदगी का एक हिस्सा बर्बाद करने जैसा है। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, पर स्वयं को एक चाटा अवश्य लग जाता है। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्ते को कपड़ों की तरह बदलते हैं।